और सभी भाइयों बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बहुत समय से यहाँ पर हैं। इतनी तेज़ धूप में जिस तरीके से आप सभी ने मुझे मौका दिया कि मैं 2 मिनट अपनी बात रख सकूं, मैं दिल से इसका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, पिछले कई दिनों से मुझसे ये सवाल पूछा गया कि राजनीति क्यों? आपने अभी क्रिकेट ख़त्म करी, उसके बाद कमेंट्री आप कर सकते थे, आपके पास कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर राजनीति का फैसला क्यों? और मैं ये बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। एक ऐसे कि हर मुद्दे पे जो ट्वीट करते हैं एसी कमरों में बैठ के, और फिर ट्वीट करने के बाद भूल जाते हैं, और फिर जब कोई दूसरा मुद्दा आता है तो फिर ट्वीट करते हैं। और एक ऐसे भी लोग हैं जो उनकी भावना है इस देश के लिए, वो उस भावना को लोगों के बीच में जाकर, कहाँ वो इस देश की प्रगति को देखते हैं, उस प्रगति को लोगों के बीच में लेकर जाकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब मेरे पास ये एक डिसीजन था कि क्या मैं सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करना चाहता हूँ और फिर उसको भूल जाना चाहता हूँ, या फिर मैं लोगों के बीच में आके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैंने ये जो राजनीति में कदम रखा, ये एक सच्चे दिल, सच्ची नीयत और एक सच्ची सोच के साथ रखा है। एक ऐसी सोच में कदम रखा जिसमें ना तो हम झूठे वायदे करेंगे, हम सिर्फ वैसे सच्चे वायदे करेंगे, और ऐसे वायदे कि जो हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें। पिछले 4.5 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कई ऐसे झूठे वायदे किए गए हमारे सीएम के द्वारा कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, हम 100 स्कूल खोलेंगे, 100 कॉलेजेस खोल देंगे, हम CCTV कैमराज लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे। लेकिन जब कोई भी वायदे पूरे नहीं किए गए तो फिर अब वो जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसके पीछे छुपकर गोलियां चला रहे हैं। देखिए, पिछले कई समय से ये भी बात चली कि मैं डिबेट से डर गया, और मैंने इसका जवाब पिछली रैली में ये दिया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। देखिए, मैंने उस मंच में खुलेआम चैलेंज किया केजरीवाल जी को कि अगर आपकी पार्टी इतना ही डिबेट करना चाहती है तो जैसे 4.5 साल आपने लिए राजनीति में, उस वक्त मैं सिर्फ 4.5 दिन पुराना था, आप मुझे अपनी राजनीति का सिर्फ आधा वक्त दे दीजिए, समय भी आपका, जगह भी आपकी। लेकिन उस डिबेट की एक शर्त ये होगी कि ना तो वो किसी सोशल मीडिया और ना ही वो किसी बंद कमरे में होगी, वो डिबेट होगी जनता के बीच में। और अभी भी उस चैलेंज का कोई जवाब आया नहीं। मैंने 15 साल क्रिकेट खेली, लेकिन जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा, 15 घंटे में मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लगाए गए, इतने आरोप लगाए गए कि जो 15 साल में नहीं लगे। कभी नॉमिनेशन रद्द करने की बात, कभी 2 वोटर ID की बात, कभी FIR दर्ज कराने की बात, और आप केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूंगा। देखिए, मुझे क्रिकेट में एक चीज़ ज़रूर सिखाई गई कि अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई आमने सामने की लड़नी चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो लड़ाई हम आमने सामने की लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कि जो साढ़े चार दिन पुराने एक नेता को उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए, सामने आइए, पीछे से वार मत करिए। केजरीवाल जी ने ऐसे सपने दिखाए जो वो चाहकर भी पूरे नहीं कर सकते। अगर आपका मकसद सिर्फ लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर सत्ता हासिल करना है तो इस तरीके की राजनीति पूरे दिल्लीवासी समझ चुके हैं। पहले वो गाली देते हैं, फिर वो माफ़ी मांगते हैं,
और फिर वो लोगों के पैरों में गिरते हैं, और जब लोग नहीं मानते तो फिर वो गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, हम ऐसी राजनीति ना कभी करते थे और ना ही कभी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है क्योंकि सोच का फर्क है, और वो सोच ये है। मैंने राज्य आम आदमी पार्टी बात करती है डिबेट, धरना और ड्रामे की, और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश एक सुपर पावर बने। हमारे प्रधानमंत्री विरोधियों की आंखों में आंखें डाल के लगाए गए इतने आरोप लगाए गए, वो कोई भी देश हो, उनको जवाब देना जानते हैं, और कई लोग सिर्फ इसका प्रूफ मांगते हैं। और हाल ही में मैंने सुना, साल में नहीं लगे, केजरीवाल जी ने बोला कभी जो उनके ऊपर रैली में अटैक हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। पिछले 4.5 साल सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करते रहे। एक चीज मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी अभी इतने बड़े लीडर बने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की जरूरत पड़े। कभी दो वोटर आईडी की बात, कभी FIR। तो आप दर्ज कराने की बात, तो इसलिए अगर हर चीज में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करेगी तो इस देश की जनता और इस दिल्ली की जनता 40 दिन इसका जवाब जरूर 23 तारीख को देगी। आप सभी लोग यहां पर आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दिल से आप सब लोगों का और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सभी लोगों के बीच में आऊँ, अपनी बात रख सकूँ, आप सभी लोगों के लिए काम कर सकूँ। और ये ऐसा मौका बहुत कम लोगों की जिंदगी में आता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से एक बात चलती आ रही है कि मुझे डिबेट से डर लगता है। डर तो मुझे पाकिस्तान से नहीं लगा, तो डिबेट से क्या लगेगा। कई लोगों ने मुझे बोला कि मैं डिबेट से भाग गया हूँ, तो मैं आज इस मंच से आम आदमी पार्टी के प्रमुख एक चैलेंज देता हूँ कि उन्होंने 4.5 साल लिए इस राजनीति में और मुझे सिर्फ 4.5 दिन हुए हैं इस राजनीति में। 4.5 साल का सिर्फ आधा समय वो मुझे दें, और वक्त भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी, वक्त भी उनका होगा, जगह भी उनकी होगी, लेकिन वो जो डिबेट होगी उसकी एक शर्त होगी, वो शर्त ये कि वो डिबेट सारी जनता के बीच में होगी, ना तो एक किसी कमरे में, ना ही किसी ट्विटर पे और ना ही किसी सोशल मीडिया पे। तो जिस तरीके से मैं मन से चुनौती देता हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रमुख से कि वो भी इस चैलेंज को ना तो किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और ना ही किसी इंटरव्यू के की तरफ से और मैं ये बात आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में। एक ऐसे कि हर मुद्दे पे जो ट्वीट करते हैं एसी कमरों में बैठ के, और फिर ट्वीट करने के बाद भूल जाते हैं, और फिर जब कोई दूसरा मुद्दा आता है तो फिर ट्वीट करते हैं। और एक ऐसे भी लोग हैं जो उनकी भावना है इस देश के लिए, वो उस भावना को लोगों के बीच में जाकर कहाँ वो इस देश की प्रगति को देखते हैं, उस प्रगति को लोगों के बीच में लेकर जाकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब मेरे पास ये एक डिसीजन था कि क्या मैं सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करना चाहता हूँ और फिर उसको भूल जाना चाहता हूँ, या फिर मैं लोगों के बीच में आके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, तो मैंने ये जो राजनीति में कदम रखा ये एक सच्चे दिल, सच्ची नीयत और एक सच्ची सोच के साथ रखा है। एक ऐसी सोच में कदम रखा जिसमें ना तो हम झूठे वायदे करेंगे,
हम सिर्फ वैसे सच्चे वायदे करेंगे और ऐसे वायदे कि जो हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें।